Hey guys, this is Priyanka and welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ साड़ियाँ जो कि मीशो से हैं और साड़ियाँ बहुत ही गुड क्वालिटी की हैं, रिजनेबल हैं. जैसे कि वेडिंग सीजन भी आने वाले हैं और पूजा वगैरह भी इस समय चलती रहती है, वट वृक्ष की पूजा आने वाली है, तो अगर आपको इनमें से कोई साड़ी पसंद आती है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं. साड़ियाँ बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. सो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. सो गाइस, आज की हमारी पहली साड़ी है ये, देखिए आप, बहुत ही कलरफुल है. एक सेकेंड, ये देखिए, और बहुत ही लाइट वेट साड़ी है गाइस. कैसे भी आप इसे पहनेंगे ना, इजिली पहन पाएंगे और आप पूरे दिन इसे घर में भी पहन सकते हैं. बहुत ही लाइट वेटेड है. और ये देखिए, ये ना मल्टी कलर में है, कई कलर में है, एकदम कलरफुल साड़ी है. और इसमें कोई भी काम नहीं किया हुआ है, बस ये साइड में आप देख रहे हैं इस टाइप का बॉर्डर इन्होंने दिया हुआ है पूरी साड़ी में. देखिए आप, इस टाइप का ये गोटा पट्टी टाइप का इन्होंने ये लेस देखिए लगा रखी है और साइड में कुछ इस टाइप का बॉर्डर दे रखा है, बस और कुछ भी नहीं है इस साड़ी में. पूरी साड़ी ऐसे ही है, प्लेन आप देख सकते हैं. ये देखिए, ऐसे लहरिया लहरिया टाइप की है. और इसका जो ब्लाउज है वो देखिए ये है, और ब्लाउज के यहाँ पर स्लीव्स पे भी इस तरह की इन्होंने डिज़ाइन दे रखी है. आप चाहें तो इसे बैक पे भी लगवा सकते हैं या फिर स्लीव्स पे लगवाना चाहें तो स्लीव्स पे लगा सकते हैं. इसका जो ब्लाउज का कपड़ा है देखिए डार्क पिंक कलर का है, तो अगर आप इसे अच्छे से बनवाएंगे तो साड़ी पहनने में बहुत सुंदर लगेगी. और वैसे भी बहुत लाइट वेट है तो आप इसे ईजी कैरी कर सकते हैं. और अगर आप चाहें तो आप इसे पार्टी फंक्शन में भी थोड़ा सा इसका ब्लाउज ना आप हैवी बनवा लीजिए तो आप किसी पार्टी फंक्शन में भी पहन पाएंगे. और या फिर अगर आप डेली वेयर में भी पहनना चाहते हैं ना तो आप पहन सकते हैं. बहुत लाइट वेट साड़ी है, बहुत ही कंफर्टेबल है, आप इसे पहन के घर में काम भी कर सकते हैं और आपको गर्मी भी नहीं लगने वाली, इतनी लाइट वेट साड़ी है. और आप चाहें तो आप इसे किसी पार्टी या फंक्शन के लिए भी तैयार कर सकते हैं. बस क्या आप ना ऐसा करें, इसका ब्लाउज जो है, इसके साथ रेडीमेड बहुत सारे ब्लाउज आते हैं, या इसी के ब्लाउज को आप थोड़ा डिजाइनर टाइप बनवा लीजिए या फिर इसके साथ कोई और मतलब ब्लाउज. लेकिन इसके साथ ना ब्लाउज मुझे लगता है पिंक कलर ही अच्छा लगेगा, तो आप पिंक कलर ब्लाउज के साथ इसे मिक्स एंड मैच करके पहनेगा, बहुत सुंदर लगेगा. पिंक पिंक मिलने वाला है दोनों में. तो ये देखिए, ये है सिल्क की साड़ी, ये है इसका आंचल. आंचल में आपको इस तरीके से टैसल्स लगे मिल जाएंगे, ये देखिए. देख रहे हैं, तो इसका आंचल ऐसा है. और ये देखिए साड़ी, इसमें पूरी साड़ी ऐसी ही है, सेम है, बस ये ऐसे नीचे और ऊपर आपको ये गोल्डन टाइप का बॉर्डर मिल जाएगा. ये साड़ी का मटेरियल जो है ना वो है लीची सिल्क. अब लीची सिल्क क्या होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो सिल्क है ना, है सिल्क की साड़ी पर लीची सिल्क, शायद सिल्क की कोई वैरायटी होगी. सो या लीची सिल्क है. साड़ी देखने में सुंदर है, अगर आप इसे अच्छे से बनवाएंगे तो अच्छी लगेगी पहनने में. और ये है इसका ब्लाउज का कपड़ा, देख सकते हैं आप, ये देखिए,
ब्लाउज का कपड़ा सफिशियंट दिया हुआ है, आप अच्छे से ब्लाउज बनवा सकते हैं। इससे होता क्या है ना, किसी किसी साड़ी में थोड़ा सा ब्लाउज का कपड़ा जो है थोड़ा सा कम दे देते हैं, तो जो थोड़े से हैवी वेट के हैं तो उनका ब्लाउज कई बार नहीं होता है। पर मुझे लगता है कि इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसका ब्लाउज अगर आप बनवाएंगे तो अगर कोई हेल्दी व्यक्ति भी है, मतलब हेल्दी है वो भी बनवाना चाह रहा है, तो मुझे लगता है बन जाएगा अच्छे से। देखिए तो ये इसका ब्लाउज कपड़ा, ये ब्लू कलर का इसका ब्लाउज बनेगा और ये पिंक कलर की साड़ी रहेगी। और साड़ी में ना ऐसे जैसे ढोलक सितार ऐसे सारे बने हुए हैं, सारे म्यूजिकल चीज़ बनी हुई हैं, ढोलक हैं सितार हैं तबला हैं और वो क्या बोलते हैं जो मुंह से बजाते हैं ना वो सब है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनी हुई हैं, सारी म्यूजिकल चीज़ें बनी हुई हैं। सो आप चाहें तो अगर आप न्यूली वेड है तो भी इसे ले सकते हैं, बनवा सकते हैं, या साड़ी किसी पार्टी फंक्शन में पहन सकते हैं, जैसे कि पूजा आ रही है वट वृक्ष की तो उनमें भी आप रेडी करवा के पहन सकते हैं। लेकिन अगर रेडी नहीं करवा पा रहे हैं, जैसे कि इस टाइम तो क्या है ना कि अगर आप पहले भी लेंगे तो भी रेडी करवाना मुश्किल ही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें बंद हैं। सो आप इनके साथ ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास ब्लाउज पड़े हैं तो आप उनके साथ मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं, या फिर आपको अगर पहनना है तो आप रेडीमेड ब्लाउज ले लीजिए, ऑनलाइन तो मतलब मिल जाते हैं, तो आप उनके साथ पेयर कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगी। तो देखिए गाइस बहुत सुंदर साड़ी है ये देखिए, और इनकी प्राइस जो है मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा और मैं पहन के भी दिखा दूंगी कैसी लग रही थी साड़ियां। सो या गाइज एक्चुअली ये दो ही साड़ी मुझे रिसीव हुई है, आपको पता नहीं मैंने ये काफ़ी टाइम से ऑर्डर कर रखा था, पर कुछ मतलब आप तो जानते हैं कोरोना वगैरह चल रहा है उसके चक्कर में मुझे लग रहा है ये लोग डिलीवरी काफ़ी लेट कर रहे हैं। तो ये वाली तो मुझे पहले रिसीव हो गई थी, पर जो दूसरी वाली थी वो मुझे जस्ट आज ही रिसीव हुई है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना देती हूँ। एक्चुअली मैं कब से वेट कर रही थी कि सारी साड़ियाँ आ जाए तो मैं वीडियो बनाऊंगी, पर आ नहीं रही थी। मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगी, अभी मैंने और भी साड़ियाँ मंगवाई हैं, पर वो बल्कि इनसे पहले ऑर्डर की थी लेकिन वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुई हैं। मैं भी देखते हैं, मुझे लगता है कि शायद उनको मुझे कैंसिल करके दोबारा करना पड़े, और क्योंकि मुझे लग नहीं रहा शायद आएगी, तो देखते हैं। फिर अगर आ जाएंगी मतलब जल्दी तो मैं उनका भी वीडियो बना दूंगी। सो गाइज इन दोनों में से आप चाहें तो कोई परचेस कर सकते हैं, अगर आपको कोई साड़ी अच्छी लगी हो तो। दोनों का कोड मैं दे दूंगी। एक्चुअली जो जॉर्जेट वाली साड़ी थी ना उस वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, जैसे मैंने परचेस किया तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। सो मैं देखूंगी अगर उससे कुछ मैच करता हुआ होगा सो मैं उसका कोड दे दूंगी, और इसको आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं, ये अभी अवेलेबल है। पहले भी मंगाया, पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी, आपको दिखाया था। ये है गाउन टाइप कुर्ता, ये देखिए जो मैंने पहले दिखाया था वो थोड़ा सा येलो टाइप ऑरेंज है, और ये एकदम ऑरेंज कलर का है, तो आप देख सकते हैं। एक्चुअली वो वाला ना मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया था, उसे अच्छा लग रहा था तो मैंने दे दिया। मैंने सोचा कोई नहीं यार मैं दूसरा मंगवा लेती हूँ, पर जिस सेलर से मैंने मंगवाया था उसके पास आउट ऑफ स्टॉक था, सो मैंने ये दूसरे सेलर से मंगवाया। ये मुझे थिंक 55 रुपीज़ कम का ही पड़ गया था, मतलब 55 रुपये सस्ता ही पड़ गया था, तो मैंने सोचा मंगवा लेते हैं यार, तो ये मैंने मंगवा लिया है। तो सही है, कुछ नहीं, बस इसमें ना वहाँ पे तो जब मैंने ऑर्डर किया था तो प्लेन दिख रहा था, पर अभी आप शायद आपको कैमरा कैच, ये देखिए आप कुछ दिख रही होगी ना, हल्की हल्की सी लाइनिंग टाइप है, हल्की सी ब्लैकिश लाइनिंग है पूरे कपड़ों में। सो वहाँ जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे प्लेन दिख रहा था तो मैंने कर लिया था, पर अभी जब मैंने शायद कैमरा उतने अच्छे से कैच नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब आप सामने से देख रहे हैं ना तो मतलब हल्की सी ब्लैकिश लाइनिंग लाइनिंग है। और इसका जो मटेरियल है ना, इसका मटेरियल है बम्बू सिल्क, सिल्क का ही कोई बम्बू है, सिल्क में इतने मटेरियल आ गए हैं कि नाम ये समझ में नहीं आता, तो ये बम्बू सिल्क का मटेरियल है, और ये भी मीडियम साइज़ में ही है, तो मुझे ऑल्ट्रेशन कराना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्मॉल साइज लगता है। और इनमें भी पैड दिए हुए हैं, देखिए पैड भी बहुत सॉफ्ट वाले हैं,
आप चाहे तो इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं, आई थिंक देखो मैं, हाँ आप चाहे तो इसे साइड से ना ओपन करके निकलवा भी सकते हैं, निकल जाएंगे। और वैसे तो बहुत सॉफ्ट वाले हैं, तो ये देखिए पूरा कुर्ता ऐसे ही सेम है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था ना, सेम है, बस हल्का फुल्का नेक में चेंजेस है, हल्का फुल्का सा। और ये उससे 55 रुपीज कम का ही है। और इसका जो मुझे लगता है इसमें जो मतलब फ्लेयर है उसकी उसके अपेक्षा थोड़ा सा कम है, उसमें मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेयर है ना, इसमें थोड़ा सा कम फ्लेयर है। और इसका जो मटेरियल है जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, बम्बू सिल्क टाइप का, पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यार कैसा मटेरियल है, पर मैं देखती हूँ मैं इसे रखूँगी कि नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे कुछ खास समझ नहीं आया ये वाला मटेरियल, तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसे रिटर्न करना पड़ेगा। सो या गाइज, ये थे मेरे आज के हॉल के प्रोडक्ट। एक्चुअली बहुत ज़्यादा साड़ियाँ मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मैंने आपको बताया ना लॉकडाउन के वजह से, शायद कोरोना के वजह से डिलीवरी बहुत लेट हो रही है, काफ़ी टाइम पहले ही मैंने कर रखी थी पर अभी तक मुझे सारी साड़ियाँ रिसीव नहीं हुई। सो या जैसे ही रिसीव हो जाएंगी तो मैं वीडियो बना दूंगी। सो इन सबके परचेस कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको इनमें से कुछ अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप उस कोड के थ्रू मीशो पर सर्च करेंगे और प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगा, सो आप परचेस कर सकते हैं। और हाँ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, कोरोना चल रहा है तो अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए, और जितना हो सके घर से बाहर मत जाइए, बहुत ज़रूरी होने पर ही जाइए, घर में रहिए और हैप्पी रहिए, खुश रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग करना। इम्यूनिटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा फंडा यही है कि आप हैप्पी रहें और हेल्दी रहें, स्वस्थ रहिए। तो चलिए फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।